Beautiful and lovelies, welcome back to this channel. Once again, this is me Shruti with another beautiful product review for you all. इस चैनल पर मिलते हैं आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिव्यूज ताकि आप बेहतर तरीके से जान सके कि आपकी स्किन के लिए आपकी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट सूट कर सकता है। तो अगर आप अपनी स्किन टाइप के लिए या अपने बालों के लिए या अपनी बॉडी वॉश या किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल में रिव्यू जानना चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच अदर वीडियोज ऑल्सो। डेफिनेटली वो वीडियोज आपको हेल्प करने वाले हैं टू सेलेक्ट योर फेवरेट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर स्किन प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो जो कि है एक फेस क्लेंजर को लेकर। आज मैं आपके साथ एक फेस क्लेंजर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ विच इज़ फ्रॉम न्यूट्रोजिना। तो ये है वो क्लेंजर जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिस इज न्यूट्रोजिना डीप क्लीन ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब। तो वो लोग जिनके पास टाइम नहीं होता DIYs का या फिर स्पेशली वो स्क्रब परचेज नहीं करते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है ऐसे फेस वॉशेस को यूज करना जिनमें स्क्रब पार्टिकल्स प्रेजेंट हो या फिर जो भी स्क्रब बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं उनको परचेज करना। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शंस। जैसे कि मैं स्पेशली कभी भी स्क्रब ना परचेज किया है ना अप्लाई किया है। अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी स्क्रब की नीड है, आई जस्ट पिक स्क्रब बेस्ड फेस वॉशेस। जैसे कि ये है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉशेस जो कि स्क्रब बेस्ड है। आपके फेस की स्क्रबिंग भी हो जाती है, फेस वॉश भी हो जाता है, क्लेंस भी हो जाता है, डर्ट भी रिमूव हो जाता है, इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाती है, और जो भी ब्लैक हेड्स या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको लगता है रिलेटेड टू योर स्किन, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो भी ऑब्वियसली रिमूव हो जाती है। मोर ओवर दिस इज अ ग्रेट ब्रांड जो कि बहुत ही अच्छे इंग्रीडियंट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो ये है ब्लैक हेड एलिमिनेटिंग डेली स्क्रब। तो इफ़ यू नीड अ स्क्रब, अगर आप कोई अलग से स्क्रब को नहीं परचेज करना चाहते तो आप ऐसे फेस क्लेंजर्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी स्क्रब की कि ये कितनी क्वांटिटी का है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्यूब है इसकी क्वांटिटी बिल्कुल छोटी सी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ट्यूब छोटी सी है। तो इसकी क्वांटिटी आपको मिलती है जस्ट 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स की क्वांटिटी है जो कि मुझे पता है कम है, दैट इज़ वाई इसका जो प्राइस है वो भी आपको कम ही पे करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू इट्स क्वांटिटी आपको इसका प्राइस पे करना पड़ता है जो कि है ₹140। आपको 140 में जस्ट मिलता है 40 ग्राम, जो कि थोड़ा सा प्राइसी सा लगता है। बट अगर इसकी टेक्सचर की बात आती है, इसके स्क्रब पार्टिकल्स की बात आती है, इसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज की बात आती है, तो 140 बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है जब हम इस पर्टिकुलर फेस वॉश को यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसकी टेक्सचर की, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, व्हाइट और यू कैन से क्रीम कलर का क्लेंजर है जिसमें कि ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स हैं। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट, यहाँ पे बिल्कुल ऑरेंज कलर के पार्टिकल्स से इसमें नज़र आते हैं। तो इस तरह के पार्टिकल्स आपको इसमें नज़र आएंगे जो कि स्क्रब का काम करते हैं आपके फेस के ऊपर। यू हैव टू जेंटली अप्लाई इट ऑन योर फेस और बिल्कुल आराम से स्मूथली अपने फेस पर इसको मसाज कीजिए या फिर वो एरिया जहाँ पर आपको लगता है आपको ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया, वहाँ पर इसको जेंटली मसाज कीजिए अपने फेस पर। और नॉर्मली जैसे आप किसी भी फेस वॉश को लगा कर अप्लाई करके मसाज करके वॉश कर लेते हैं, उसी तरह से इसको वॉश कर लीजिए। इफ़ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फेस वॉश ऑन डेली बेसिस, या फिर मैं कहूँगी अगर आप डेली नहीं यूज़ करना चाहते, इसको ऑल्टरनेट डेज पर यूज़ कर लीजिए, तो आप अपनी स्किन पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव होती हुई आपको दिखेंगी, आपकी स्किन से जो डर्ट है वो रिमूव होता हुआ नजर आएगा, ब्लैक हेड्स वगैरह ये वाली प्रॉब्लम जो है ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि ये आपके स्किन पर स्क्रबिंग करते हुए जो आपकी स्किन पर डर्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जमा होती हैं, उनको पोर्स में से निकालते हुए आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर छोड़ता है। तो एज अ रिजल्ट आपको ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, ये वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी कम देखनी पड़ती है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है या फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी होती, तो हफ्ते में एक बार या जब भी आपका मन करे स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। कुछ ऐसे स्पेशल स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहते तो ऐसे फेस वॉशेस यूज़ कर लीजिए जो आप वीकली ट्वाइस अ वीक यूज़ करें या फिर वीकली यूज़ करें या जिस तरह भी आपको पसंद आता है उस तरह से यूज़ करें, बट यूज़ करें ताकि आपके स्किन पर जो इम्प्योरिटीज़ है, डर्ट है, वो जमा ना हो और फाइनली आपके स्किन पर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने शेयर किया एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको डेफिनेटली अपने घर में रखना चाहिए, आप डेली बेसिस पर ना यूज़ करें, ऑल्टरनेट डेज, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक यूज़ करें ताकि आपके स्किन पर जो इम्प्योरिटीज़, डर्ट है वो बिल्कुल भी जमा ना हो पाए, वहाँ पर ना इकट्ठा हो और आपके स्किन पर पिंपल्स, एक्ने मार्क्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको फेस ना करनी पड़े। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट विच यू शुड मस्ट ट्राई।
जी हाँ, ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, मस्ट हैव प्रोडक्ट भी है। मोर ओवर बहुत ही अच्छे ब्रांड से है, विच इज न्यूट्रीजना, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। न्यूट्रीजना के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर माइल्ड, दे आर सॉफ्ट ऑन योर स्किन, दे आर नॉट हार्श, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं करते। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, इस पर्टिकुलर फेस वॉश के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपके साथ शेयर किया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो डेफिनेटली परचेज करिएगा ही करिएगा, यूज़ करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आपकी स्किन को बेटर बनाने में ये हेल्प करने वाला है। और इस चैनल पर आपको वही सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिलते हैं जो नॉर्मली आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हो, अपनी स्किन को बना सकते हैं बेटर, हेल्दी, मोर यंगर लुकिंग। फॉर दिस वीडियो दिस वाज मोर देन एनफ। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।